अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मुझे ना माँ बनने से पहले लगता था कि वाकई शायर की लिखी हुई हर शायरी जो होती है ना, वो उसके महबूब के लिए होती है। लेकिन जब मैं माँ बनी तो मुझे आइडिया हुआ नहीं, हर जो गीत है ना वो समहाउ वो माँ अपने बच्चे से उसमें कनेक्ट कर पाती है। वो है ना कि मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करें। तो एग्जैक्टली माँ और बच्चे का दिल होता है, और स्पेसिफिकली अगर ये बेटा हो। ऐसे नहीं, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन बेटियों की बाप के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है, और समहाउ मैंने देखा है कि बेटों की माँ से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। मेरे अपने घर भी ऐसा ही है। वो तमाम तर चीज़ें जो आपको लगता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो एक ही चीज़ जो है वो मनवा सकती है, वो है आपकी माँ। बेटों की हमराज होती हैं माँ। आज का शो मेरे लिए मेरे दिल के वाकई करीब भी होने जा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आज मेरे पास दो ऐसी जोड़ियाँ आ रही हैं जो कि है माँ और बेटे की जोड़ी। आज का शो मैं से बहुत सीखूंगी भी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। लड़कों की ना बड़ी उम्र जो है वो ट्रिकी होती है, जब वो छोटे होते हैं, उसके बाद जब वो बड़ा होना शुरू होते हैं। लड़कों में वैसे ना एनर्जीज भी एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम आता है जब प्यूबर्टी इनको हिट करती है, उनका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। फिर वो आगे जाके एक टाइम आता है वो रिवर्ट बैक करते हैं, फिर जब वो खुद कमाना शुरू करते हैं, फिर जब उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है ओ हो। तो ये बड़ी बड़ी प्यारी एजेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हमारे साथ यहाँ पे जोड़ियाँ मौजूद हैं, ये तो बड़ी ख़ास जोड़ियाँ। उसकी रीज़न ये भी है क्योंकि आज जो दोनों बेटे आ रहे हैं, इन दोनों बेटों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों बेटों को आपने देखा भी हुआ है, आप इनको अदर देन जो इनके किरदार हैं उनसे हट के आप उनको इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये दोनों बेटे अभी हाँ रिसेंटली एक रियलिटी शो में भी ये दोनों बेटे भी थे, तो आप उनको वैसे भी जानते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, मतलब एक किरदार निभा रहे थे तो कैसे होते हैं, फिर ये जब रियलिटी में कैसे होते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ ही कैसे, ये तमाम से चीज़ें आप जान लेते हैं। जो पहले आज हमारे साथ यहाँ पर जोड़ी आ रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की जोड़ी है, और जो वालिदा इनकी हैं वो तो ऑलरेडी हमारी सुपरस्टार हैं, कमाल बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट डैट वी हैव। और फिर उनके साहबजादे जो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी अम्मा का जो नाम है ना वो रोशन करें, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान और परवीन अकबर साहिबा। क्या म्यूजिक लगा रहे हैं, कैसी आइए जी। ये म्यूजिक का आपने इंतखाब चेक किया? वाह बिल्कुल, ये आपके स्नीकर्स इंस्पायर्ड म्यूजिक, वेरी रिच म्यूजिक। बहुत सारे इशारों पे आज बातें भी करेंगे हम। जो हमारा आज की जो दूसरी जोड़ी है वो भी बहुत ही प्यारी जोड़ी है। उनके बेटे को तो हम जानते ही हैं ही, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि देख के एक दाने से पता चल जाता है कि जी देख पूरी कैसी है। तो अक्सर बच्चों को देख के आइडिया हो जाता है कि अच्छा इनकी जो तरबियत करने वाली माएँ हैं, जो इनकी परवरिश करने वाली माएँ हैं वो कैसी होंगी। हमारे बहुत ही प्यारे उमर आलम और उनकी वालिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आ जा आंटी, कैसी हैं आप? वेलकम आंटी। भाई हमने पहले उमर से कह दिया था कि उमर जब आपकी वालिदा जब भी आएंगी आपने उनको लेकर आना है हमारे पास, क्योंकि ये तो होती नहीं है कराची। ये लहदा बात है कि ये आए और कहीं और चले गए। कैसे हैं, कैसी आंटी आप? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक ठाक है परवीन आपा? अल्लाह का करम। अच्छा मैं देख रही हूँ बड़ी जबरदस्त यहाँ तो मैचिंग हो रही, वो ऑरेंज ऑरेंज और मेरे भी ओहो हो। ये देखें ऑरेंज ऑरेंज चल रहा है ना, ऑरेंज इज द न्यू नारंगीज, नारंगीज बड़े जबरदस्त। कैसी आंटी आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको कराची शहर? अच्छा है, मैं पहले भी रह के गई हूँ वैसे 6 माह, तो अभी आती जाती रहती हूँ बेटे के पास। मजा आता है अब कराची, अब जैसे ही इस्लामाबाद में थोड़ा सा उनका वो टाइम हो जाता है ना कि बस मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, भाई मुझे कराची बुलाओ, मुझे कराची आना, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, फिर आती हैं आप। मैं अपने मेके आई हूँ। ये अपने मेके आई हूँ। बाकी जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो आपका भाई भी बन जाता है और आपका बाप भी बन जाता है। अच्छा वो आई है इस्लामाबाद से एग्जॉस्ट होके कराची, और आप तो परवीन आपा जैसे हम बात भी कर रहे थे मेकअप रूम में, अरे तौबा करो इस्लामाबाद, मैं तो नहीं रह सकती इस्लामाबाद, बहुत ही डेड सिटी।
कराची वाले वैसे भी, क्योंकि हम लोग इतना पेस फास्ट है, फास्ट जिंदगी है। मियाँ की फैक्ट्री वहाँ इस्लामाबाद में हुई तो कहने लगे आ जाओ बच्चों को लेके। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने एक साल बाद कहा मुझे थोड़ा सा बसों का धुआं सुनवा दो, रिक्शे की आवाज सुनवा दो। कहने लगी तो अजीब औरत हो, इतनी ग्रीनरी है। मैंने कहा चरने आई ग्रीनरी को मैं क्या मुझे भेजो। मुझे भेज दिया। देखिए भाई, कराची वालों को लाहौर समझ में नहीं आता। आप फिर सोच लें कि आप उनको अगर इस्लामाबाद, क्योंकि हर शहर की अपनी वाइब होती है ना, वो बड़ी काम वाइब है उस शहर की। लाहौर बेहतर है, लाहौर बेहतर है, वो अब बेहतर हुआ है, वरना लोग सोते हुए लस्सी पी और सो गए। अच्छा ये वैसे मशहूर, जब मैं नई नई कराची आई थी ना, लोग मुझे कहते थे अच्छा आप क्या पियेंगी, मैं कहती नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पियूंगी, लस्सी पियेंगी। मैंने कहा नहीं पीती मैं। कोई कॉन्सेप्ट यही है जी, कॉन्सेप्ट यही है कि बस हर लोहरी बस सुबह लस्सी पी के बोलो बेटा। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, शूट पे गए लोग आ ही नहीं रहे, हम अकेले सेट पे बैठे हुए, कहां आ रहे हैं जी। मैंने कहा कब आएंगे हम, वो अपने कराची की रूटीन से पहुंच गए। मैंने कहा एक बज रहे का वो सुत्ते पे हैं। तीन जुमलों में आप, मैं चाहूंगी अपने इस बेटे का जरा तारुफ कराएं। नहीं मेरा बेटा बहुत फरमाबरदार, बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयरिंग, माशाल्लाह। मतलब मैं भी कुछ कहती नहीं हूँ लेकिन ये उस चीज को भांप जाता है। सबसे अच्छी दूसरों में नहीं है, इसमें है। और ये मेरा बहुत ख्याल रखता है और अल्लाह ताला इसे बहुत तरक्की दे। जो माँ बाप का ख्याल रखती है औलादे, अल्लाह उनके भाग लगाता है। और ये खिदमत गुजार तो नहीं कहूंगी क्योंकि लेटा रहता है सोफे पे, कोई गुजरे तो कहता है गिलास पानी तो देना। अगर घर बड़ा, बड़ा तो। मेरा बड़ा सोफा गुजार बच्चा है। इतनी देर से प्यासे लेटे हुए कैसे, जो कोई गुजरा कोई मेहमान ही क्यों ना आ जाए तो पानी देंगे। पासिंग कैरेक्टर्स का भी कोई काम होता है, सभी को बिजनेस दो, लाइन देनी चाहिए। वो हमारा नौकर आजिज है, अभी पानी नहीं ले जाए, कपड़े इस्त्री करना हो कपड़े ले रहे हैं, पानी जूते पॉलिश कर ले। अरे मैंने कहा उस इंसान है उसके चार हाथ नहीं है, कपड़े प्रेस करे, पानी पिलाए, जूते पॉलिश करे, सबर तो करो, पॉज तो दो। अच्छा परवीना भाई आपके सबसे बड़े बेटे हैं? नहीं दो नंबर है। मुझे बताया इसमें कोई झूठी बात थोड़ी है, नहीं बिल्कुल आप हैं उनके दो नंबर। कैरेक्टर भी आना शुरू हो गया, मैं तो थोड़ा थोड़ा फील भी करता हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है। ये सेकंड नंबर पे है, ये बेहतर है। इससे छोटा है और इससे एक बड़ा, ये बीच में। हाँ ये बीच में, ओ मिडिल चाइल्ड। यस मिडिल चाइल्ड, अपनी मर्जी से नहीं। मेरी कोई कोई मर्जी मुझे नहीं पूछी गई, मुझे बस बताया गया है। किन किन जिंदगी में आपको फैसले में आपको बताया गया, एक तो चलो बेटा तुम हो गए आ गए चलो वेलकम टू द फैमिली, इसके अलावा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया ऑनेस्टली। लेकिन जब मैंने एक बहुत अहम फैसला मुझ पर मैं कहूँगा थोपा गया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इन्होंने ऐसा किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग वगैरह करनी है तो उन्होंने मुझे कहा पहले स्कूल जाओ, तो आई हैड टू गो एंड डू फिल्म एंड टीवी पहले। उस वक्त सुन के लगता था क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये, क्या करना है, क्योंकि मैं बचपन से चीजें देख रहा था। कौन सा पढ़ा हुआ देखो वो भी तो कर रहे हैं ना काम, नहीं जो पढ़ लिख के कर रहे हैं उन्होंने क्या अभी माशाल्लाह कर लिया है ना। तो लेकिन मैं वाकई उससे बहुत फर्क पड़ा और किसी को मैं बताता नहीं, अभी भी नहीं बताता लोगों को मैं किसका बेटा हूँ या क्या सीन, मैंने बचपन से चीजें देखी हैं। तो मैं फैसिनेट नहीं होता था लाइट्स देख के या कैमरे, जो बच्चे आते थे वो कहते थे यार कैमरा हमारे हाथ में कैमरा। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट था स्कूल का ही, तो उसमें मैंने अम्मी के साथ कवि साहब को भी कास्ट कर लिया था, ताला गरीक रहमत करे, उन दोनों इन दोनों कास्ट कर लिया। जब वो फिल्म चली है सारे स्टूडेंट्स की चल रही थी, जब मेरी बारी आई फिल्म चली तो उन्होंने कहा है, मेरा टीचर कह रहे हैं आपने इन दोनों को कास्ट कैसे किया है। मैंने कहा ये मेरी पर्सनल अम्मी है और वो उनको मैं कवि अंकल के नाम से जानता हूँ। तो फिर पता चला लोगों को, फिर मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगा इस बात पे कि तुम इनके बेटे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो भाई। मैंने कहा नहीं भाई इन्होंने ही भेजा है। तो वो पढ़ के, लेकिन वाकई उससे बहुत फर्क पड़ा ऑब्वियसली, पढ़ाई का तो कोई वो हो ही नहीं सकता। पिछले दिन हमारे शो में राबिया भी आई हुई थी, तो राबिया बता रही थी कि ऐसी कहीं नहीं है कि हमने कहीं जाके लोगों को बताया कि हम परवीन अकबर के बेटे, हमने स्ट्रगल की है हम हर उस तरीके से। मैंने यही कहा था, मैंने कहा पर्चीबाजी नहीं चलेगी, एक ही दफा होगी, फिर अगर बुरा काम किया तो एक ही दफा मेरी पर्ची चलेगी, अपने बलबूते पे करो ताकि मेरा नाम भी खराब ना हो। खराब काम करके आओ तो बोले लो ये उनका बेटा है। हाँ। तो प्लीज मेरा नाम कहीं सिर्फ, बहुत लोगों को नहीं पता था, मतलब बाद में जब पता चला, राबिया का भी यही था, राबिया को भी मैंने काम नहीं करने दिया, उसको इनसे ज्यादा शौक था। तो मैंने कहा नहीं पहले पढ़ो, उसको डेंटिस्ट्री, वो डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन। ओह
उसको डेंटिस्ट बुला लिया। तो उस वक्त पता ही नहीं था, हम तीन चार लोग की दांत ही दिखा देते, बेचारी शो में पता ही नहीं था, पता है कहां एक्टिंग और कहां डेंटिस्ट्री। तो वो जब कहने लगी एक्टिंग, मैंने कहा तो ये किताब तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, 5,000 की एक किताब लेके दिए और तुम एक्टिंग की बात कर रही हो। बहुत हैवी थी ना, हैवी थी और ऐसे पैसे भी ठीक ठाक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तो अपना क्लिनिक बना के साइड पे, शादी होते ही बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है। शादी होते ही वो हमारे हाथों से तो निकल गई ना, अब कहने लगी एक्टिंग करनी है। माशाल्लाह इतना इजी शोर मिला, उसको करो जो करना है। मैंने कहा यार कैसा आदमी है भाई, मुश्किल से हमने पढ़ाया था, यार करने दो। चांडिया मुझे ये बताएं अपनी जरा बेटी की भी, आप भी जरा तारीफ करें ना। ये इनका इकलौता बेटा है, आप देख लें जी। ओ ये अम्मी, वेरी गुड आंटी, पहले कसम खाएं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे ऐसे सच कहूंगी, खबरदार कोनी नहीं मिला रही साथ में। नहीं, कोई नहीं मिला रही अम्मी, सब वही बातें जो मैंने बताई थी। मैं उधर देख रहा हूं, ये भी अच्छा है, केयरिंग है और बात सुनता है, मानता भी है। अब सुनने लगे हमेशा से बात सुनते हैं? नहीं, शुरू से, मतलब बचपन से। हाँ, मुझे गुस्सा आता था तो मैंने ऐसे बोलना डांटना कि मैं तुझे मारूंगी, इसने आगे खड़े हो जाना, ले ले मार ले। मुझे वो कहता था कि आप जो कहेंगी ठीक है, आप मार ले मुझे, आप मार ले मुझे। पढ़ने शढ़ने के शौक थे माशाल्लाह, पढ़ने इसने स्कॉलरशिप ली थी मैट्रिक में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी इसने स्कॉलरशिप में किया। क्या बात है। और जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तब भी उसको स्कॉलरशिप मिला, माशाल्लाह पढ़ाई में ठीक। वैसे नहीं पढ़ता था, पढ़ाई की वैसे नहीं पढ़ता था कि बैठ के हर वक्त किताब नहीं, जब पेपर होते थे फिर नहीं ये किताब को छोड़ता था। ये कॉलेज स्कूल में मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, ये फॉर्मूला मेरे लिए काम किया। यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, जब मैंने ये करने की सोची तो मुझे पता चला कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा, तो वहाँ पे आगे जो है मेरे फिर यूनिवर्सिटी में आके थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि कॉलेज तक सही था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्कॉलरशिप भी मिला था। यूनिवर्सिटी में और भी वजूहत होती है ना, जाहिर सी बात है। हाँ, पर उसका क्या कहना चाह रहे हैं आप, खुल के बताइए। हाँ, ये और वजूहत के बारे में जरा प्लीज बताते, जरा खुल के जरा इस पे बात की जाए। प्यारी प्यारी सी वजूहत आसपास फेर रही होती हैं, रंग बिरंगे से कपड़ों में, है ना कुछ। ये भी एक रीजन होता है, जब आप मतलब यानी कि बॉयज कॉलेज में पढ़े हैं, बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद क्या रहती है बेचारी। हाँ, ये तो मुझे बताएं, जब आप सारे बॉयज स्कूल और बॉयज कॉलेज से निकल के फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, फिर आप कहते हैं चलो जी या अल्लाह, दूसरी मखलूक भी नजर आना शुरू होती है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपको हर दूसरी मखलूक से जो है ना वो प्यार हो जाता है, फिर आपके ग्रेड्स बर्बाद हो जाते हैं, आप क्लासेस में कम, कैंटीन में ज्यादा बैठते हैं, घूमते फिरते ज्यादा है, ये वाला सीन तो होता है, इट्स नेचुरल। अच्छा, वरना बॉयज कॉलेज में तो होता है ना, चलो दोस्तों से मांग के खा लिया और अपने, लेकिन फिर जब ऐसी दूसरी मखलूक आ जाती है तो फिर तो आपके पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर आप अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप फिर उन्हीं से ही या फिर दूसरों से मांग के उनको खिलाते हैं। हाँ, तीनों हजरात, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, मुझे से सीखना पड़ेगा कि अपने पैसे नहीं उड़ाने। तो आपने अपने पैसे उड़ाए या फिर अगले सिखाए? नहीं, मैंने मतलब यानी कि अपने बहुत कम उड़ाए, मुझे हमारे पैसे कम मिला करते थे, हमारे जो जेब खर्च थी, पॉकेट मनी थी, वो कम थे हमारे, तो फिर मैंने वो वाले दोस्त बनाए जिनकी पॉकेट मनी अच्छी होती थी, तो फिर हम उनके साथ बैठे। अच्छे से दोस्त दोस्तियाँ नहीं आपकी अच्छी बनाई कि वो भी चलो कभी कोल्ड ड्रिंक पिला दी, समोसा खिला दिया, नान पकौड़े? मैंने फिर कैंटीन वालों से दोस्ती की उधार। मैंने फिर उन लोगों से नहीं की जो पैसे देते, मैंने उन लोगों से जिनके पास पैसे आते थे, फिर मैंने उनके पास उनसे दोस्ती की, फिर उनके साथ मेरी ऐसी दोस्ती होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लोग समझते थे कि ये कैंटीन जो है, ये कैफे, ये वाला जो है ये मेरा है, उसका नाम भी उमर कैफे था बेसिकली, तो मेरी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि मैं अक्सर कैफे के अंदर ही पाया जाता था और लोगों को वो किया करता था, कैटर किया करता था, हाँ जी आपका ये ऑर्डर है, रुक जाना। कभी कुछ अच्छी लगती है, दो समोसे भी दे दिए एक साथ, अच्छी लग रही है, आज आप दो समोसे खाएं, अच्छी लग रही है, दुपट्टे में पीको बड़ी अच्छी हुई है, मेरी तरफ से चटनी एक्स्ट्रा। अरे आपकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है, रुक जा। अच्छा फैजान, आपने मार खाई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा बाकायदा बाकायदा। कौन कौन सी औजार इनके पास थे? देखिए, अम्मी के पास एक ही जो है ना 9mm की चप्पल होती थी, दो पट्टी वाली, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक पिटे और हर जगह पिटे, घर में, घर से बाहर, क्रिकेट ग्राउंड में, नीचे पार्किंग में क्रिकेट खेलते हुए, इतना पिटे हैं कि दोस्त डरने लग गए थे हम हमारी अम्मी से। बाकी मजाक नहीं कर, हमारे यहाँ एक रूल था कि मगरब पे घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब भाई मैच सीरियस हो गया, लेट हो गया थोड़ा सा, कोई डिले हो गया मैच में,
मैच चल रहा है अब हाँ। मैच तो छोड़ के नहीं आ सकते और हमें पता है हमें पिटना है तो मैच तो जितवाए कम से कम हाँ। मैच खेल लेते कि अम्मी वहां से आई है काउबॉयज की तरह अम्मी ने यूं करके दो निकाली है चप्पलें करके मारी और फिर हम पिटे दोस्तों के सामने बाकायदा मेरे पास एक बेल्ट भी थी देख रहे आप उसमें कांटे थे बड़े बड़े ये भूल गए एक बेल्ट का टुकड़ा इनके कमर लाडो रानी अपनी कमर का अपनी ही बेल्ट से पिटते थे पुरानी बेल्ट का एक टुकड़ा मैंने रख दिया था और वो इतना जोर से लगता मैं सोचता हूँ कि अब अगर बच्चों को बताया जाए जी मार पिटाई वाला तो बोलेंगे आप लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल ही पागल है कैसे पिटे आप बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक ले रहे कहीं जाएगा ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक फैजान हमारे साथ मौजूद हैं परवीन आपा के साथ और साथ में मैं उमर आलम भी और उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है और हम बात ये कर रहे हैं कि जी ये जो माँ और बेटे की बॉन्डिंग है इस हवाले से मैं कह रही हूँ मैं तो बहुत सीख रही हूँ आई एम श्योर बहुत सारी मुझ जैसी माएँ वो भी सीखेंगी क्योंकि बड़ा ट्रिकी होता है जी ये और स्पेशली लड़कों में अब तो खैर लड़कियों में भी होता है एक एज ऐसी आती है कि जिसमें लगता है कि ओहो बच्चा बिल्कुल आपके हाथ से गया क्योंकि जब प्यूबर्टी हिट करती है और फिर बच्चे में ना बिना वजह की एवी से बगावत आ जाती है ज़रा ज़रा सी बात उनको इतना हर्ट करती है खैर मैं पूछूंगी लेकिन मुझे आंटी बताएं कि कभी उमर के स्कूल से वैसे तो बड़ा लाइक था कभी स्कूल से कॉल आई हो कभी शिकायत कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं तो कारनामा सर अंजाम दे दिया हाँ जब फर्स्ट टाइम इसको मैंने स्कूल भेजा है 6 माह इसको मैंने पहले ट्यूशन डाला उसके बाद मैंने इसको एडमिशन करवाया ना तो इसके दादा बोला मुझे इसको लेके गए स्कूल छोड़ने गए तो ये रोने लग पड़ा उनको आ गया तरस उठा के वापस ले आए मैंने कहा अब्बा जी इसको क्यों गए हैं वापस कहते रोने लग पड़ा था मेरे दिल को कुछ होने शुरू बिल्कुल ऐसे ही मैं वापस ले मैंने कहा ये छोटे छोटे हाथ मैंने कहा ये तो इसने रोज का बहाना बना लेना आज उसका पहला दिन था स्कूल का मैंने इसे पकड़ा और उसको स्कूल छोड़ के और उस दिन के बाद फिर इसने नहीं कहा कि मैंने स्कूल नहीं जाना ये फॉर्मूला चल नहीं रहा क्या एज थी आंटी उमर की उम्र की मेरा 3 साल थी साढ़े 3 साल ढाई या 3 साल थी 3 साल की थी क्योंकि 6 माह मैंने इसको एडमिशन और फिर स्कूल वालों ने बोला कि मैंने कहा इसके पेपर ले लेना 6 माह ये पढ़ा ठीक ठाक पढ़ा तो मैंने कहा इसके पेपर ले लें कहते नहीं 6 माह में हम नहीं ले सकते ना पेपर इस मैंने कहा चले ठीक है फिर एक पेपर हो गया इसका दूसरे दिन मुझे कॉल आई कि उम्र से हम पेपर ले रहे हैं मैंने कहा क्यों आपने तो मना कर दिया था कहते एक ओल बच्ची है उसको सही नहीं आ रहा उसके हिस्से का इससे लेंगे अरे और ये 6 माह में इसने क्लियर किए क्लास कह रहे हैं आप ये मैं लड़का लड़का बड़ा तेज है बेहतरीन अवधि हजरत 6 महीने के ट्यूशन जनों का काम आ गया मेरे हां ये अच्छी बात है तो खैर माओं को आजकल ये टेंशन है बचपन से लड़कियों को फेवर दे रहे हो अच्छा आपको कभी फैजान के स्कूल से कभी यूनिवर्सिटी से भी कॉल आई हो फिर यूनिवर्सिटी से तो नहीं स्कूल से ही आती है कभी नहीं कभी भी नहीं पेरेंट्स मदर में उसमें जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में तो बहुत तारीफ होती थी इनकी भी और मेरे बड़े बेटे की बहुत तारीफ होती थी उसकी शिकायत एक दफ़ा आई थी स्कूल से और सिटी स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि आप स्कूल आ सकती हैं मैं डर गई मैंने कहा या अल्लाह खैर क्या हो गया कहा आप आए अपने बेटे का कारनामा देखे आके अल्लाह मैंने कहा क्या किया इसने मैं फ़ौरन पहुँची स्कूल उनकी मैडम के पास गई मैंने कहा क्या हुआ है ये क्लास में थे कहने लगी इधर आइए वो मुझे ले गई वो कोई आर्ट रूम था उनका जिसमें बच्चे अपनी ड्राइंग्स वगैरह लगाते थे इतनी उम्दा ड्राइंग करता है बड़ा वाला मैंने कहा तुम तो आर्टिस्ट बनना चाहिए था वो जो बोर्ड था वो उसने लात मार के तोड़ दिया कैसा तो ये एब्स्ट्रैक्ट है ऐसे तोड़ा है मैंने कि कोई तोड़ नहीं सकता वो इतना सुराख हुआ हुआ वो बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड था वो कोई लात उसने ऐसी मारी थी कि वो पूरा इतना हिस्सा पीछे गिरा हुआ था और उन्होंने हटाया भी नहीं कि माँ को दिखा दिया मैंने कहा कहाँ है हसन का क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले शॉट में वो पिट रहे होंगे वहीं स्कूल में पिटाया मैंने आपसे कहा मैंने कहा तुमने कहा वो दूसरा लड़का जो था ना उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा था तो मैंने गुस्से में मैंने कहा तो गुस्से में तुमने इनका बोर्ड तोड़ दिया उसे तोड़ना चाहिए था उसे तोड़ देते बेटा नहीं और इतनी बुरी मैंने कहा ये लात इतनी मजबूत कैसे मारी है अच्छा वो है माशाल्लाह 6 फुट अब माशाल्लाह 6 फुट 1 इंच चौड़े उस वक्त भी बच्चों में सबसे हेल्दी वही था उसने लात ऐसी मारी थी लगता था किसी बड़े आदमी ने लात मार के तोड़ी
मैंने वो क्रेडिट तो उसको वही सेहतमंदी का क्रेडिट तो वही दिया लेकिन पीटा मैंने उसको वही 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 लोगों के सामने लोगों के बीच में क्लास फेलोज के सामने लड़कियां अब क्या अम्मी क्या करे लड़कियों के सामने इतना शोर करना बेइज्जत हो जावा तो अच्छा फिर ना कितना जरूरी है लड़कों पे स्पेसिफिकली उस टाइम पे भी जरूरी था क्योंकि ये नजर रखनी होती ना कि किन दोस्तों में उठ रहा है बैठ रहा है कि कंपनी बहुत मैटर करती है किसके घर आ जा रहा है तो ये कौन सी एज से जो है ना ये आपने इसमें थोड़ी ये जब 5-6 साल के थे मैंने इनको कभी दोस्तों में नहीं बैठने दिया स्कूल फेलोज भी थे जब छोटे थे लेकिन जब ये 10-12 साल के हो गए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये कंबाइंड स्टडी के लिए मैं नहीं जाने देती थी ना ही कोई दोस्त इनका हमारे घर रात तक बैठा रहता था या पढ़ने आता था नहीं इनको मैं वो थड़ों पे बैठने नहीं देती थी हालांकि मेरे घर के पास बड़ी रौनक होती थी कभी नहीं मगरिब की अजान मैच खेलना वरना बेल्ट डायरेक्ट घर घर में आओ खाना खाओ नमाज पढ़ो सो जाओ बस ये रूटीन थी तो मेरे पड़ोसी कहते थे आप तो लड़कों को भी लड़कियों की तरह पाल रही हैं मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का उस वक्त के और इस वक्त में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है वो फिर ऐसा वक्त था कि आप कंट्रोल हो जाते थे बच्चे लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये टाइम जो है बच्चे बिल्कुल हाथों से निकले हुए मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो गया लेकिन स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा जो है वो गम और गुस्से में और टेंशन में ना गुजरे तो अपने बच्चों को कंट्रोल करें चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों अब तो लड़कियां भी अजाब हो गई हैं तो लड़के लड़कियों को औलादों को जब तक आप और बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आपने कंट्रोल कर लिया छोटी एज में ना फिर आप फ्री हैं जब तक बच्चे घर पे होते हैं ना तब तक आप उनमें नजर रखते हैं लेकिन जब उनका बाहर निकलने का टाइम आ जाता है लेकिन एक लाइन आपने मुकर्रर कर दी उनकी जिंदगी में कि ये लाइन नहीं क्रॉस करनी तो नहीं होता ये मैंने अपना अपने बच्चों पे आजमा लिया इनको जो चीज मैंने सिखा दी आज भी इनके दोस्त सिगरेट पीते ये नहीं पीते तो पकड़े भी नहीं गए इसका मतलब सिगरेट पीते हैं बाकी सच में सिगरेट ही पीते हैं सिगरेट नहीं पीते कभी आप इनके मुंह से कोई ऐसा जुमला नहीं सुनेंगे जो ब्लो द बेल्ट हो कोई गाली नहीं हाँ गाली बर्दाश्त नहीं करते मैंने कहा जिस जो तुम्हें गाली देगा उस वक्त तुम्हारा हाथ उठना चाहिए उससे पहले नहीं तो इन जो चीजें आपने एक दफा इधर बिठा दी ना वो फिर बैठ जाती है चले जी हमारी बातों का ही मजेदार सिलसिला तो जारी है मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी आप लोग कहीं मचाइएगा जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आज मेरा शो बहुत ही मजेदार है क्योंकि आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं दो ऐसे जोड़े जो के हैं बेटे और माँ के आपने क्या इनके लिए वो ना वो लाइन ड्रॉ की थी कि ये नहीं होना चाहिए गाली नहीं देनी मैंने कहा गाली नहीं देनी आप अगर कभी छोटी मोटी दे भी देते थे तो मिर्ची डाल देती उसके बाद फिर ये इन्होंने डाल देती मुँह में अगर कोई गाली मतलब अक्सर झगड़ा होता था घर में बहन बड़ी बहन के साथ तो ज्यादा ज्यादा क्या वो जो छोटी मोटी गाली होती है वो निकल गई गलती से भी तो फिर अम्मा ने अच्छा इधर पकड़ा मिर्चे पकड़ी वो दिन और पानी भी नहीं पीने देती ना ही चीनी खाने देती बस रखो अभी जुबान जलेगी फिर तुम्हें पता चलेगा उसके बाद तुम सीखोगे गाली नहीं निकालना हाँ। गाली मुझे सख्त बुरी लगती आंटी आपने बाकी उम्र की दोस्तों बारे पे चेक रखा कि अच्छा उम्र की कौन दोस्त है माशाल्लाह जो भी दोस्त बने हैं ना बहुत अच्छे स्कूल के जमाने के कॉलेज के जमाने में क्योंकि वो रखे ही उसने अच्छे से दोस्त है मुझे आज तक नहीं इसकी दोस्ती में कोई शिकायत नहीं कि इसके बहुत अच्छे दोस्त है माशाल्लाह कॉलेज के स्कूल के यूनिवर्सिटी के सब फिर आपकी दोस्ती वैसे ही लोगों जैसे आप खुद बिल्कुल तो आपने इनके लिए कोई हद मुकर्रर की हुई थी कि बस मगरिब का टाइम है बस इसको तो मैंने उस स्कूल दाखिल करवाया था आता ही मगरिब के टाइम था सुबह जाता था और शाम में वापस रात में वापस जाता था शौक था इसको फौजी बनाने का ना भेजने का आर्मी में तो उस स्कूल में मैंने इसको एडमिशन करवाया वो स्कूल सुबह 7 बजे लगता था और शाम 7 बजे तक उधर ही रहता था 12 घंटे का स्कूल था और ये मुझे आ कहता है कैद करवा के खुश हो गई हैं अब मैंने कहा हाँ अब यह है कि इससे उसी की इससे बेस बनी है आंटी आपको तो होता होगा कि मेरा एक ही बेटा है तो मुझे इसको डिसिप्लिन करना है हाँ ये ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक अच्छा आंटी आप तो चाहती थी कि ये आर्मी में जाए लेकिन जब उन्होंने कहा मीडिया में जाना है
तो मुझे फिर भी कोई, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की थी मैंने इसको भेजने की, नहीं जा सका इसको। मैंने 8 क्लास भी दो दफ़ा करवाई, क्योंकि उधर एडमिशन जो होता है ना 8 क्लास ही होता है। 8 इसने पास कर ली थी, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम्हें फिर दोबारा कर लेना, पर वो नहीं हो सका तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा शायद अल्लाह को नहीं मंजूर। उमर, जैसा अम्मी का पैशन था आपका भी वैसा पैशन था जाने का? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर पैशन था मेरा। मैं और ये देख एरोप्लेन देखे ना तो उसके छोटे होते थे बाय बाय करते थे भाई, हम सब ने कहीं ना कहीं किया है, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ से देख के अम्मी ने कहा रे मेरा बेटा पायलट बनेगा, अम्मी ने ठान लिया। मैं जहाज देख के फैसिनेट हो रहा था, अम्मी ने पायलट बच्चे होते हैं। लेकिन फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ISSB और ये वो। मेरे पास ISSB का फॉर्म रखा हुआ, मैंने जमा ही नहीं करवाया, मतलब मैंने फेल करके ना उसको वापस में सबमिट नहीं करवाया। क्यों पता नहीं क्यों एकदम से मेरे अंदर से ना हो गया भाई नहीं अब नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बहुत लेट हो गया या कुछ हो गया। वो शौक जो था या चाह थी वो एकदम से ना अंदर से दिल से चली गई। और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी कैरी ऑन की, वहाँ से मुझे साथ साथ जो है मैं एक्टिंग करता रहा करता रहा। फिर मैंने बताया कि अब तो एक्टिंग करनी है आपके बेटे ने। हाँ, जब पहले देने गया था, इंटरव्यू देने गया था सियाचिन का, मैं इसके साथ ही थी थिएटर के लिए जब हुआ था, मैंने कहा चलो जाओ मैं दवाई करती हूँ। हो गई, क्लियर हो गया। तो मुझे बताया थी जब कराची आना था तो आपके लिए कितना मुश्किल था बेटे को कराची? पहले तो मैं नहीं आने दे रही थी, ये तो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा था मुझे कराची जाना है, मुझे कराची जाना है। मैंने कहा अगर तुम कराची जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, अकेले मैं नहीं भेजती। इधर हमारे कोई है भी नहीं थे, रिलेटिव वगैरह कोई भी नहीं था। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं भेजना तुम्हें। फिर मैं जब ये इसने सियाचिन किया तो इसकी वजह से ये कराची आया, इसकी थोड़ी वाकफियत वगैरह होगी। फिर इसके बाद इसने बोला तो मैंने कहा चलो जाओ अब जाओ, अब देख लिए शहर तुमने तो जाओ अब शहर। मैंने कहा अब पता चल गया तुम्हारे कुछ दोस्त बन गए हैं उधर, ये यासर हुसैन थे, ये काफ़ी उन्होंने कितना मुश्किल नहीं होता कि जब बच्चे जब दूर होते हैं, मतलब माँ बाप दूर है दूसरे शहर में होते हैं तो भागे भागे जा रहे थे माँ बाप से मिलने के लिए, ये तो फिर औलाद है वो भी एक ही बेटा। बेटों को तो बंदा रख ही नहीं सकता ना घर में बिठा के, वो जाहिर है उन्होंने तो बाहर निकलना ही है काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कंट्री से बाहर ना जाए, कंट्री में रहते हैं, ये आउट ऑफ कंट्री नहीं भेजना था। खैर मुझे शौक भी नहीं था जाने का, इसको शौक भी नहीं है बाहर जाने, क्योंकि इसके अबू तकरीबन 17 साल दुबई रहे हैं, तो इसको नहीं हुआ कि मैं अभी जाऊँ बाहर। जब आपने आंटी पहला प्रोजेक्ट देखा उमर का, आपने पहली बार उमर को टीवी पे देखा तो क्या उस वक्त तासुरात थे आपके? हम तो इसका एक सीन पूरे ड्रामे में आता था उसके लिए बैठ जाते थे देखने कि इसमें उमर आ रहा है। आप मुझे बताया फिर मेरा, जब पहला आपने फैजान का जब प्रोजेक्ट देखा था, फैजान ने पहले थिएटर किया था जी, तो आप देखने के लिए गई थी? थिएटर मैंने दो दफा देखा था और बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा काम किया था, वरना तो मैं तो बहुत बुरी क्रिटिक हूँ, बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ और लोगों को करती हूँ, तो ये तो अपने घर का ही है। तो लेकिन थिएटर में काम करना वैसे भी मुश्किल है, मैंने खुद थिएटर बहुत किया और अच्छा वाला थिएटर किया, तो थिएटर के जो एक्टर्स हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कैमरा उनके लिए कुछ नहीं होता। जिस वक्त हमारे पास तीन थिएटर के जो एक्टर्स हैं वो बैठे हैं, और ये बाकी जो ये बड़ा जबरदस्त थिएटर होता है कि इसमें आपको लाइव फीडबैक आ रहा होता है। लाइव फीडबैक तो आता है लेकिन आप खुद कितने फंसे हुए होते हैं और आपको एंट्री याद रखनी पड़ती है, आपको जुमले याद रखने पड़ते हैं अपने भी और अगले के भी। वेल रिहर्स होता है, आपकी पूरी बॉडी एक्ट कर रही होती है, एक एक हाथ पांव, एक एक सबसे मुश्किल काम है थिएटर, बहुत मुश्किल। फिर तो थिएटर के एक्टर्स के लिए दूसरे जो ड्रामा होते हैं हलवा 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 बिल्कुल हलवा, मतलब अब हम टीवी करते हैं तो अगले के जुमले हमें याद होते हैं, ये क्या इनका है, वो अगर भूल जाएं तो हम बता देते हैं आपका जुमला ये। तो थिएटर में मैंने देखा और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद थिएटर में बहुत काम कर चुकी थी, तो इनका थिएटर बहुत एक तो बहुत मॉडर्न था, गाने वाने भी थे उसमें वो, और फैजान को थिएटर में देख के मुझे बहुत खुशी। तो आंटी की फैजान की परफॉर्मेंस है, कितनी आप ओवरवेलम्ड हो कि आप रो पड़ी हो कहीं? रो पड़ी हाँ, जब इनका इंट्रोडक्शन हो रहा था रो पड़ी, फिर इन्होंने फिल्म की, फिल्म में मैं बहुत रोई। तो बस अपने बच्चों को कामयाब होता देख के हर माँ की आँख में खुशी का आंसू होता है, और ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि उमर ने हमारे साथ भी काम किया है और अल्लाह ने भी बहुत तरक्की दी। अच्छा मुझे बताइए कि जो हमेशा से एक बात की जाती है कि बेटियों का बाप के साथ कनेक्शन,
और बेटों का माँ के साथ कनेक्शन, उमर उमर और फैजान आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली, मैं इसलिए अग्री करता हूँ कि अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती है, हम तीन भाई हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि वो लोग थोड़ा बाहर रहे हैं, छोटा वाला बाहर मूव आउट कर गया, बड़े भी चले गए थे, फिर वो वापस आए, मैंने अम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा, तो मेरी अम्मी से एक अलग तरह की बॉन्डिंग है हर किसी की, जैसे राबिया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बड़े भाई की भी अपनी तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी से बिल्कुल दोस्ती वाला है, बहुत दोस्ती वाला सीन, मैं इनसे कोई भी बात कर सकता हूँ, और क्रेडिट इनका है कि इन्होंने मुझे इतना ईजी रखा हुआ है कि मैं कोई भी बात कर लेता हूँ इनसे, किसी भी किस्म की मुझे कोई कबाहत नहीं होती बात करने में। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह से फ्री हैंड देते हो अपने बच्चों को, और वही वाली बात है कि आपने तरबियत दे दी, आपको पता है इस एज तक आके, अब उसके बाद आपको अपना रोल फिर चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी फील्ड में कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, पेरेंटिंग भी एक बहुत मुश्किल काम है। मैं अभी सिर्फ 1.5 साल हुए मुझे बाप बने हुए, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपके कॉन्स्टेंट चैलेंजेस डिफरेंट होते रहते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने इतना ईजी मुझे रखा हुआ है कि मेरी इनसे बहुत दोस्ती है, और हमारे जनरेशन और भी जो आने वाली नस्लें हैं बिल्कुल और है, जो छुटकने जो हमारे घरों में ये बिल्कुल और जनरेशन के लोग बिल्कुल ऐसे ही है। इनके लिए मिजाज जैसे वो तो कूट लेती थी, आप नहीं कूट सकते इन बच्चों को। एग्जैक्टली, लेकिन और ये देखे ना वही वाली बात है कि अब डर वाली बात नहीं होती इसमें, रिस्पेक्ट वाली बात होती है, तो आप रिस्पेक्ट करते हो और रिस्पेक्ट कमाई जाती है, कोई ठूस ठूस के रिस्पेक्ट नहीं डाल सकता आप। तो सारा क्रेडिट इनका इस मामले में कि इन्होंने इतना इजी रखा हुआ है हम सबको कि हम कोई भी बात आसानी से शेयर कर लेते हैं। आप करते हो आंटी से? हाँ हाँ, अम्मी के साथ मेरी अच्छी चिलिंग है, प्रॉपर मज़ेदार। बहनों के साथ कैसी है? अम्मी अब चूँकि मैं यहाँ कराची आ चुका हूँ, अम्मी की बहनों के साथ ज़्यादा, बड़ी बहन भी हैं वो, उनके साथ अक्सर इनकी जो है ना वो गप लगती रहती है, और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इनके बहस मुबहसे भी होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो है फिर वो मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि अब देखो ये चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैं चलें ठीक है ऐसे ही, ओके ओके, फिर मैं बातें बताता हूँ कि ये हो रहा है आजकल, प्रोजेक्ट्स इस तरह चल रहे हैं, जब जाता हूँ तो फिर अभी अपने सब रिश्तेदारों की बातें करती है मेरे साथ। उनको होता है कि कोई बंदा हो जिसे बातें कर सके। आंटी आपकी कौन सी ऐसी आदतें जो आप देखती कि उम्र में आई हैं? मेरे ख्याल में सेंसिटिव, हाँ, और ये कि किसी को बदतमीजी नहीं करता किसी से, मैंने भी आता है किसी से नहीं सुन के रो लेती हूँ पर करती नहीं। मैंने शायद तमाशा नहीं देखा। नहीं वो तो शो था मुझे कि रिश्तेदारों में किसी के आगे से जवाब नहीं देता, सबका लाडला है। और जो इतने मखौलिया से है ये किस, आप, आपकी, आपके अंदर ही है या फिर आपके हस्बैंड में है? नहीं नहीं, मेरे अंदर ही है। आंटी का सेंस ऑफ, अम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजे का भरा। अभी मैं उस दिन रियलाइज कर रहा था कि मैं अक्सर जुमले बोलते हुए, अंग्रेजी के लफ्ज़ बोलते हुए उनको ख़राब कर देता हूँ खुद से। तो ये मैंने परसों तरसों सुना, अम्मी भी बोल रही थी इस तरह से, तो अम्मी बोलती हैं जो मेरे अंदर आई है और मैं फिर उसको जो है वो मजाक के तौर पर ले जाता हूँ आगे करके, क्योंकि उसके अब्बू इतने मजाकिया नहीं हैं। तो कौन सी प्रिया, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो फैजान में गई है? नहीं, बहुत सारी आदत, कंजूस नहीं है ये बिल्कुल मेरी तरह, अपने घर वालों के अलावा किसी और का एहसास करना ये मेरी आदत है, जो इसमें कूट कूट के भर गई। इसकी गवाही मैं भी दूं। हाँ, दूसरों का एहसास करता है, प्लस वो जो कहते हैं ना मजाक की एक वो है, वो मुझ में है, वो इसमें भी है, वो तो बिल्कुल कूट कूट के नजर आती है। हाँ, वो क्योंकि मुझ में है, मैं अपने घर में मेरी कंपनी से लोग बहुत खुश होते हैं, मेरी बहन वगैरह जो हैं वो कहती हैं तुम आओ ना बहुत मजा आता है तुम्हारी कंपनी, बहुत मजे की, मेरी जो चंद गिनी चुनी फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरी कंपनी में बड़ा मजा आता है। तो ये मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो मुझ में है, तो इसमें तो कूट कूट के भरा हुआ है, और इसकी बातों पे हमें बहुत हंसी आती है। इनके साथ आप क्रिकेट मैच देखें तो आपको बहुत लुत्फ है। आजकल चल रहे क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच की बात करते मेरा गला खुश्क हो गया। अल्लाह पाक हमें जिता देना। मैं तो लास्ट टाइम इंडिया से हारे थे, नहीं इससे नहीं, जो इससे लास्ट टाइम इंडिया से हारे थे, मैंने मैच देखना ही छोड़ दिया। एशिया कप यार ये ना किया करें, ये बात मुझे बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आती। बस पहले मेरा दिल आपके ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, फिर मैच हो रहा है तो मेरा तो दिल टूट रहा है ना। मैंने इसीलिए अपने ने किनारा कशी कर ली, मैंने कहा मैं नहीं मैच, मैं इनको हारते हुए देख सकती। गेम को गेम की तरह देखें, मैं गेम एक दूसरे वाले कमरे से ना एक मेरी आंख निकल के डेला देख रहा होता है कि क्या हो, नहीं हो सकता, ओके ठीक है वापस चलो। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ,
राबिया जब मैच हो रहा उसकी हालत आप देखेंगे, वो नहीं देखती मैच, वो उठ के उसका ये ईमान है कि जब मैं मैच देखूंगी तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा। वो दूसरे कमरे से आवाज दे रही थी, हाँ क्या हुआ, कितने ओवर हो गए, भाई तो आगे देख लो, नहीं मैं देखूंगी तो मसला हो जाएगा। अच्छा। और अगर वो बैठ भी जाए देखने तो सब अच्छा चल रहा, अगर कुछ गलत हुआ ये मेरी वजह से, मैं जा रही हूं। अच्छा, मेरे घर में इत्तेफाक से सब बहुत क्रिकेट लवर है, मैं खुद और मेरे बच्चे भी सब, इवन मेरी बड़ी बहू जो है इसकी बेगम को इतना शौक नहीं है, लेकिन बड़े वाले की जो वाइफ है उसको बहुत शौक है। मेरा नौकर जिस दिन मैच आ रहा होता है शाम को सब काम पहले ही खत्म। ओके जी। अरे भाई चावल बनाने थे, रोटियां बन चुकी, अरे भाई चावल, भाई रोटियां बन गई खा ले। अच्छा, किचन बंद हो गया भाई, किचन बंद है, वो मैच के सामने बैठा हुआ है, चावल खाने का नहीं, आज रोटी खाएं, मैच का आपकी चॉइस है तो खा लेंगे, उसकी मर्जी है, आप उनको कुछ। हमारे घर में वो जो मेरा छोटा पोता है वो भी इंतजार में होता है मैच कब शुरू होगा, क्रिकेट वो बहुत सीरियस, क्रिकेट का बहुत वो है शदीद। तो एक दूसरा चैनल जो है वहाँ ख्वातीन को भी बुलाते हैं क्रिकेट, मैंने कहा यार इन ख्वातीन को क्रिकेट का पता ही नहीं है कि क्या है, हमें बुलाएं, हम देखें कैसे गुगलियां मार रहे हैं। मेरे बड़े दिल करे गुगली मारने के, लेकिन मैं गुगली मार के ले रही हूँ ब्रेक, आप लोग मजा आएगा ब्रेक के बाद, आते कहीं मजा आएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक, फैजान हमारे साथ मौजूद हैं अपनी वालदा माजिदा के साथ, और साथ में हमारे साथ उमर भी मौजूद हैं अपनी वालदा माजिदा के साथ, और हम बातें कर रहे हैं माओ और बेटों की बॉन्डिंग के हवाले से। अच्छा, आज का ज़माना ऐसा आ गया कि अब हम हर चीज़ें ना बड़ी एक्सेसिबल हो गई हैं, लोग भी आपकी रीच से बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है कि अच्छा जी फ़ोन फॉर्म कर सकते हैं या लोकेशन भी, बहुत सारी चीज़ें अब हो गई, चीज़ें जिसने आसान कर दी हैं। इन दोनों की एक म्यूचुअल चीज़ है कि भी इन्होंने एक रियलिटी शो किया है, एक विनर है एक रनर अप उसके बैठे हुए हैं, और वहाँ पर तो ये कि ना फ़ोन चल रहा है, ना बातचीत हो रही है, ना घड़ी का पता है कि वक्त कौन सा है। तो ठीक है, नज़र आपको आ रहे हैं, लेकिन वो जो होती है ना बात करनी है, हाथ लगाना है, गले लगना है, वो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही थी। अच्छा, माएँ तो देख रही होती, बेटे नहीं देख रहे होते। सो वो आंटी आपके लिए वैसे वो टाइम कैसा था कि जब वो उमर गए थे, और क्योंकि इन लोगों का टाइम थोड़ा कम था और आप लोगों का मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा था फैजान जी, 10 दिन ज़्यादा थे, 10 दिन ज़्यादा थे, तो वो आंटी आपके लिए टाइम जो था वो कितना टेस्टिंग टाइम था? अच्छा था, ये तो जब जाने लगा था तो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि ये नंबर है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो आप इधर कॉल कर लीजिएगा। और मैं वैसे 2 वीक के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं तो बस जा 2 वीक के लिए। मैंने कहा उमर कपड़े ज़्यादा ले जाना, कहता नहीं मैं 2 वीक के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। मेरे भी जहन में थे ठीक है 2 वीक के बाद ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं था ना उससे पहले से शुरू नहीं थी पाकिस्तान में। हाँ, ये पहला था ना, तो उसे भी यही था कि अपनी मर्जी से निकल सकते हैं। जब उधर गया तो फिर ये है कि हम तो देख लेते थे, मैं तो वैसे भी इससे फ़ोन पे ही बात करती, अब तो सामने देख रही हूँ रोज़ाना, तो मुझे तो इतना फील नहीं हुआ। तो मैं, इसने मुझे पूछा भी कि आपको मैं याद नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं तुम्हें देख रही हूँ 2-3 दफ़ा देख लेती हूँ, मैं अनकट में भी देखती हूँ, वैसे भी देखती हूँ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें देख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे भी तुम्हें देख के, मुझे तसल्ली हो जाती है कि माशाल्लाह मेरे सामने है। तो इसको थोड़ा सा हो रहा था, ये थोड़ा हुआ था सैड, एक दफा रोया भी था, एक दफा हुआ था जब वो बात चल पड़ी माओं की, साइम की अम्मी की कॉल आई और फिर वो माँ की बात चल पड़ी, तो तब वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक रियलाइजेशन हुई, ओ मेरी भी तो माँ है। मैं भी तो किसी माँ का बेटा। आदि को उसने कॉल की थी फैजान ने, तब भी ये बैठ के थे, मुझे किसी ने कॉल करी, मैंने कहा ये मैं कैसे बात करूँ इससे, मैंने उनसे फिर कॉल बोला, मैंने इसे मैसेज भी भेजा, उन्होंने नहीं चलाया फिर मैसेज, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी आपकी होगी बात इससे, मुझे मन कहता था ठीक है, फिर मैंने कॉल की थी। और जब कॉल हुई थी तो आपने क्या अम्मी से कहा था? ये भी तो ज़रा बताएं ना। हाँ, मैंने अम्मी से सारी प्यार मोहब्बत की जो मेरी बातें थी वो कहीं, और जैसे लाला कहते हैं कि पैसे मांग लिए अम्मी से जाते जाते, से पैसे मांग रहे हो, मैंने इसे बोला, मैंने कहा कब मांगे थे पैसे तुमने मुझसे, मुझे तो नहीं याद है, लाला को कैसे याद, नहीं मांगे थे इसने, नहीं जाते जाते कहा था कि मतलब मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अगर हो सके तो थोड़े पैसे भी भिजवा दे मेरे लिए, तुमने क्या मजा के, तो लाला को वो बात लग गई, माँ से पैसे कैसे मांग सकते हैं तू, कैसे मांग सकते हैं, मैंने कहा लाला मजाक था, कैसे समझाऊं, आज तक वो भी कहते हैं बैठे होंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी कहेंगे माँ का फोन आया, माँ से पैसे मांग लिए इसने, देखो पूछो से, पूछो माँ का फोन आया तो क्या किए, तो ऐसे ही करके, लेकिन अच्छा था।
थैंक यू माँ, आपकी दुआओं की वजह से जीता। हमें भी किसी अगर इसे कमरे में बंद कर दिया जाए और हमें पता ही ना कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आप बिल्कुल एक तरह से ब्लैंक चल रहे हो, तो फिर ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप असल में नहीं होती लेकिन हम कर जाते हैं। तो आप देखते थे मजाक उड़ा होता है, यहाँ पर तो होता है कि जो आप बदतमीजियाँ भी फुल टाइम हो रही होती हैं, देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ होता है समाओ सबसे ज़्यादा कामयाबी वही होता है, वो कहते हैं कि यही सबसे अच्छी गेम खेल रहा है। तो जब उम्र के साथ जब कैसी चीज़ होती थी तो आप उसको फील करती थी? हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर इसके लाला ही इसके एंगेज जाते थे, वो इसको जो बैड लफ्स काफ़ी बोले हैं उन्होंने, तो मुझे तब एक दफ़ा तब रोना आया, एक दफ़ा जब ये घर से बाहर निकला है, मैंने कहा अभी वापस आ जाएगा, अभी वापस आएगा, मैंने कहा ये तो दरवाजे से ही बाहर निकल गया। फिर मैं रोई, बहुत रोई, मैंने कहा ये ऐसे ही चला गया। और जब आया तो फिर बहुत अच्छा लगा, मैंने नारे लगाए मेरे नाम के। अच्छा यहाँ पे शो में आके उन्होंने लाला को पापा भी किया था? हाँ वो करते रहते थे उधर भी करते थे आदि और ये दोनों। तो आपको लेकर वहाँ से एक अच्छे दोस्त मिल गए आदि, वो जो आदि है वो भी यहाँ पे बड़ा जी एक एक कहते हैं कि म्यूचुअल जो बहुत कनेक्टेड है और वो भी कनेक्शन है। तो आदि तो खैर माशाल्लाह से हम उनको देखते हैं कि आपने तो आप लोगों की वैसे दोस्ती कैसी थी आपकी आदि के थ्रू? थिएटर थिएटर से यस, और उसके बाद फिर आगे उसके बाद फिर हमने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, जिन दिन से उधार लिया था वो आ रहे थे। अच्छा आपके लिए कितना मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे आई डोंट नो सोशल मीडिया का मतलब तभी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया था, लेकिन जो इतना सोशल मीडिया इन्वॉल्व जो इनकी रियलिटी शो ने किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल निकल के आई थी, मतलब मुझे ऐसा बंदा जो कि नहीं भी फॉलो कर रहा था लेकिन आप सोशल मीडिया देख रहे होते अच्छा यार क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो परवीन अब आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा जो थी वो कभी कभी नहीं मुझे कभी सोशल मीडिया से इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं और ना ही मैं उन बातों पे कान धरती हूँ। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, मेरे बेटे को बहुत बुरा भला कहते रहे, मेरी बेटी को, मेरी बहू को, भाई उनका क्या काम। एक बंदा अपने इंटरेस्ट से गया है, हाँ, वो खेल है, उसको हाँ, खेल की तरह ले, तो ये तो नहीं जीते तो हमें कोई दुख थोड़ी हुआ भाई। ये हमारे शो में पहली में आई थी तो परवीन आपने एग्जैक्टली बात की थी कि खेल है उसको समझ लो खेल की तरह, खेल की तरह आप पर्सनल, अब वहाँ लोग पर्सनल हो जाते हैं जैसे ये बता रही है ये लाला पर्सनल, इनके साथ भी लोग बहुत पर्सनल हुए लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। भाई आप गेम को गेम के तौर पे लेना, अब हम क्रिकेट मैच देखते हैं पाकिस्तान हार भी जाता है तो हम कहते हैं चलो अगली दफ़ा जीत जाएंगे, चलो अगली दफ़ा जीत जाए, इसमें इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है भाई, जो जीत गया जीत गया बिस्मिल्लाह, आगे जिंदगी को आगे बढ़ाएं, ख़त्म शो ख़त्म हो गया, जिंदगी आगे चल रही है। तो इतनी बकवासें देख मैं तो खुद नहीं देखती थी, मुझे राबिया भी बताती थी, मुझे माहम भी बताती थी, मैंने कहा भाई दफा कब देखो ही नहीं ना, लोग बोलते हैं, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, हम टीवी पे काम करने वाले एक पब्लिक फिगर हैं तो हमें भी बाज ड्रामों पे बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मैं तो देख के अपना खून नहीं जलाती, मैं आगे बढ़ जाती हूँ काम अपना करना। तो अलबत्ता इनको देख के तमाशा में तो मुझे बस यही होता था कि मेरे बच्चे ने बहुत वेट लूज किया है। हाँ, मुझे वैसे बाकी काफी हाँ, काफी से मुझे सिर्फ ये था उमर कि मैं देखती थी कि अल्लाह फैजी तो बहुत वीक हो गया है, बस मुझे ज्यादा फिक्र यही थी। फिर जब ये रोया तो फिर हम भी रो पड़े, ये मतलब इसकी आंख में आंसू तो हम वैसे नहीं देख सकते ना, तो हम भी रो पड़े। फिर इसको हम मिस बहुत करते थे, रोज देखते तो थे लेकिन घर में इसकी मौजूदगी जो होती है वो हमारे लिए बहुत खुशी का बायस होती है, इसलिए कि ये घर में बहुत खिलंदड़े से हैं, तो ये नहीं थे इतने टाइम, तो बहुत मिस किया इसको। हम अक्सर वो वीडियोस लगाते हैं ना कि बेटी जो है वो टीवी के पास आके बहुत खुशी खुशी सब चीजें कर रही होती है। वो एक दिन तो वो बिल्कुल हत्ते से उखड़ गई बाबा के पास जाना है, क्योंकि इसकी गाड़ी तो खड़ी हुई थी ना, बाबा इतना रोई है वो, इतना रोई, इतनी मुश्किल से उसको हमने संभाला, पता नहीं उसको कैसे एक आ गया उस पर, एक लहर आ गई बाप को याद करने की, वो रो रो के रो किस मुश्किल से उसको संभाला। और फिर इसको रोता देख के
फिर हम भी रो पड़े ने कहा यार क्यों गया इस प्रोग्राम में वो राबिया तो कैसे मैंने क्योंकि इतना वो फैजान का ना बड़ा जबरदस्त वो सारा चला था और हम क्योंकि फैजान को वैसे भी जानते हैं वो कहते हैं बीबे बच्चे की फैजान की वैसे भी कि मेरे बड़े धीमा फैजान को हमने जब भी देखा है उसमें कभी मुलाकात भी हुई है शोज में भी तो इनकी ये धीमी पर्सनैलिटी है बट देन देयर वाज अ टाइम कि बड़ा वो जो वो नेगेटिव वो पोर्ट्रे भी आई डोंट नो वो क्या चीजें होती हैं पता नहीं क्या मतलब एक चीज पकड़ ली उसकी ये यूं है हाँ एक दफा ये थोड़ा सा रैश हुआ था उस लड़के के साथ जिसने इसको कुछ गलत लफ्ज बोला था और वो क्योंकि बचपन की एक ट्रेनिंग है गाली नहीं सुनी हाँ जैसे आपने हाँ तो वो इस पे इसका टेंपर लूज हो गया था हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू बिकॉज़ देखें आप उस वक्त एक ऐसी चीज में चल रहे हैं आपको नहीं पता एक तो बाहर क्या हो रहा है और आपको ये भी नहीं पता कि चीजें बाहर कैसे जा रही हैं It was very hard. I would honestly say that it was very mentally challenging. Umar would agree to it. Initially, मुझे ऐसे नहीं लगा था कि mentally इतना challenging होगा. But it was very challenging. और रोज सुबह आपको एक नए game play के साथ उठना पड़ता है. आप हारते हो, फिर आप demotivate होते हो, फिर आप खुद को motivate करते हो. कोई और चीज़ है नहीं, कोई आसपास अपना है नहीं जो आपको बार-बार motivate कर सके. So, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी की उसने कि मेरी अपने से मुलाकात बड़ी मज़ेदार हुई. बड़े अरसे बाद ऐसा मौका मिला ये मुझे कोविड में पहले मौका मिला था कि आप जब घर में रहते हो बंद रहते हो सो यू नो यू गेट टू मीट योरसेल्फ लेकिन इस तरह मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी अपने आप को एवैल्यूएट नहीं किया इतने टाइम में लेकिन पहली दफ़ा अपनी शॉर्टकमिंग्स बाकायदा नज़र आई कि हाँ यार ये चीज़ें ऑफ हैं इनको ठीक करना चाहिए और मौका मिला एड्रेस करने का तो किया उसको जैसे कितनी बड़ी बात है कि आप अपने इंसान को अपनी खामियों का पता चले कि हाँ भाई ये हाँ ये है एंड आई पर्सनली बिलीव कि सबको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता होता है ऐसा नहीं है कि नहीं एडमिट करना मुश्किल है एडमिट नहीं करते दूसरा हम उसको एड्रेस नहीं करते एडमिट तो शायद फिर भी हम कर लेंगे यार है एड्रेस नहीं करते कि इसको ठीक कैसे करना है लेकिन वो चीजें मैंने की है ना और मैं उनको साथ लेके आया हूँ अपने मैंने वो छोड़ी नहीं वहाँ पे जो चीजें वहाँ अच्छी सीखी है वो साथ लेके आया हूँ मैं इट्स अ पार्ट ऑफ मी नाउ अच्छा लोगों के असली चेहरे आपको नजर आए वैसे बहुत क्लियर थे बहुत चीजें क्लियर थी बाहर आके मैंने ये भी देखा अच्छा मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि मैंने उसका एक सीन भी नहीं देखा कुछ नहीं देखा कुछ मैंने नहीं, मुझे स्क्रीनिंग्स वगैरह थी उनसे आपने कुछ नहीं देखा मैंने जो क्लिप्स लोग मुझे कोई भेज देते हैं ना कि ये देखें इसने फलाने ने आपके लिए बोला मैं वो भी नहीं देखता मैंने कहा मैं जी क्या हूँ आप मुझे क्या दिखाएंगे आपको देखने की जरूरत है चीजें क्योंकि बहुत सारी चीजें तो लगी ही नहीं है तो वो तो एडिटेड वर्जन तो आपने देखा है मैं तो फुल वर्जन देख के आया हूँ जी के आया हूँ तो मैं ना कुछ देखता हूँ ना उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ बिकॉज व्हाट्स डन इज डन उस पे लोग कहते हैं लोगों ने मुझे कहा कमेंट्स करें वीडियोस बनाएं मैंने कहा पैसे नहीं मिलने उसके हो गया नहीं और वो खेल था ना हो गया खत्म आगे बढ़े लोगों ने काफी सीरियस लिया उसको अभी तक अभी तक काफी उस पर बातचीत होती है लोग एक दूसरे को चीजें भेजते हैं तुमने मेरे लिए कहा था तुमने मेरे लिए वो ग्रुप में देखता हूँ उसको म्यूट कर देता हूँ कुछ नहीं कहना बेकार क्या फायदा नहीं क्या इस बात का फायदा क्या तुमने मुझे बुरा कहा तुमने मुझे यूं कहा तुमने इस बात पे अब लड़ रहे हो जैसे मैं भी हैरान हूं कि अगर लाला अभी भी कहते हैं कि तुमने वो किया था भाई खत्म चले जी हमारी बातों का ही मजेदार सिलसिला तो जारी है मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी आप लोग कहना चाहिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आज मेरा शो बहुत ही मजेदार है क्योंकि आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं दो ऐसे जोड़े जो के हैं बेटे और माँ के आपको जैसे जो अवार्ड दिया था तो आपने हाउ डिड यू रिसीव इट आई रिसीव्ड इट वेरी ग्रेसफुली एंड आई एंडोर्स्ड इट मुझे उन्होंने जब मुझे घर में भी उन्होंने कहा कि भाई आप फूफो हैं मैंने कहा यार आई एंडोर्स इट और मैंने इनफैक्ट वहाँ पे ये बात रेज की मैंने कहा क्यों फूफो का हमने एक अजाब बना दिया है क्यों भाई फूफो बहुत प्यारा रिश्ता होता है आपके बाप की बहन है वो राइट और हमारे यहाँ जब भी ये बात होती है यूजुअली भी इस शो से पहले भी तो राबिया बहुत नाराज होती है बिकॉज वो मेरे बच्चों की पप्पो है तो वो हमेशा कहती है यार आप लोग हर जगह एक अजीब सा एक नॉर्म बना दिया खाला के लिए क्यों नहीं होती है बात किसी और मामी के लिए क्यों नहीं होती है बात पप्पो की क्या गलती है भाई एंड आई कंप्लीटली एंडोर्स्ड इट जब उन्होंने मुझे कहा मैं तो कैमरे पे जाके मैंने कहा भाई दुनिया की जितनी पप्पो है ना मैं आपको एंडोर्स करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू पेंट इट राइट जो चीजें वहाँ हुई मैं उनको छोड़ के आया वहाँ पे अभी तक लोगों में पर्सनल मसाइल है वहाँ पे जो हुए हैं लोग एक दूसरे उनका तो एक साल पुराना लोग बहुत सारे लोग जो दूसरे से बात नहीं करते मिलते नहीं है
मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द शो। तो लेकिन शो से आपको कौन से अच्छा बंदा, आपको अच्छा दोस्त मिला? जुनैद बहुत अच्छा दोस्त मिला मुझे, इज वंडरफुल। और वो क्योंकि वर्गो है, मैं वर्गो हूँ, तो बहुत ज्यादा बड़े मासूम होते हैं। नहीं, मासूम तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल भी नहीं है हम लोग, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरी उसकी जैसी एक जैसी थी। फिर हमने इसलिए भी कनेक्ट किया कि उसकी भी छोटी बेटी है, मेरी भी है, तो बहुत सारी चीजें। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरह है, हाँ मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी, हाँ तो इसलिए हमारा ज्यादा अच्छा कनेक्शन था। आप भी मौका दे उमर कभी, आप अपने हाथ पीले नीले करें, नीले नहीं रहने दे मेरे भाई, पीले कर ले। क्या सोचा आंटी, वैसे क्या क्या प्लान है लड़के की, हमने कब शादी करनी है? देखे अभी तो माशा लट्टे भी प्यारी है, मत्थे से चमकन वाल करने में कह रहा हूं, अभी तो यही वक्त है, अभी तो हम ये गाना भी गा सकते हैं कि मत्थे से चमकन वाल मेरे बनड़े दे। तो क्या आंटी प्लान है आपका? वैसे मेरा तो नहीं, इसी का है। उसका प्लान पूछे ना आंटी का, क्या प्लान है आंटी? आपकी नहीं नहीं, ये आप उस पे मत डालें, इकलौती बहू क्यों होगी भाई। ये आपने बिलाव जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नेवर नो। और नहीं गुड वन, गुड वन, नेवर नो। अम्मा की मैं ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, तीन चार बहुएं हूं। हां नहीं, जब छोटा था ना तो मैंने कहा मेरी एक ही बहू बनी, मैंने कहा उमर एक आप तुम अपने पसंद के कर लेना, एक मैं अपने पसंद के कर। देखा इतनी आसानी है तुम्हें तो यार, वाह। तो उमर फिर क्या सोचा है, सुस्ती की क्या वजह है? मैं ये बता रहा हूं, एक अपनी पसंद की, हां एक अम्मी की पसंद की। अम्मी की पसंद अभी मैं ढूंढ रहा हूं, अपनी जो है वो भी ढूंढ रहा हूं। अच्छा अलाउ है ना अपनी पसंद की शादी करने? हाँ ठीक है, अलाउ। तो वैसे आप बता दें, आप क्या चाहती हैं कि लड़की कैसी है? ओए होए होए, ये सली का मन, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जो इसका पसंद हो, जो उन्होंने एक ही फिक्रे में बात तमाम कर दी। ऐसे तो नहीं, मेरी कैसी चाहिए जो उनको पसंद हो, कैसी? अब आप बता दें यार, मुझे जिस तरह की चाहिए मुझे तकरीबन मिल चुकी है, वैसी जो मुझे तकरीबन मिल चुकी है। या अल्लाह, इतनी बड़ी खबर लड़के नाम से बैठी थी। अच्छा, मिल चुकी हैं आपको? मिल चुके हैं, मुझे मुलाकात हो चुकी है उनसे, और हमारी जो है बात, पता है बात थोड़ी सीरियस हो रही है। अब पता चल जाएगा इसके बाद, अब पता चल जाएगा जितने भी हैं जानने वाले मेरे, जो भी समझ मुलाकात हो गई है। अभी तक तो पसंद आई है, जब वो कुछ मामला सीरियस हो जाएंगे तो तब हो सकता है शायद एक माँ का बेटे के लिए अपना प्यार। अभी इसकी बेस्ट फ्रेंड है, हम से दोस्ती होना बहुत जरूरी है भाई। आपके मियां या आपकी बीवी आपकी अच्छी फ्रेंड ना होना तो फिर वो आगे जाके लाइफ बड़ी स्टैग्नेंट सी हो जाती है। चल, इसका मतलब है बड़ी जल्दी हम देखने वाले हैं कि एक लड़के के लिए हम गाना गा रहे होंगे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे लाओ नीला। अच्छा, ये और ये देखे ना, ये वैसे उमर अब तो वो मैंने कभी कराई नहीं है मॉर्निंग शो में शादी, लेकिन मॉर्निंग शो में शादी करेंगे अल्लाह के वास्ते। मैं लास्ट शो में भी कह के गई थी खुदा के वास्ते शादियां, और आपने फिर बिना पकड़े मेरा शो ऐसे देखा जैसे यहाँ मुलाकात हुई, वहाँ मुलाकात हुई, फिर एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि अरे इनसे तो मुलाकात हुई हुई है, ज्यादा बेहतर हो सकती है। सॉरी खेले, अरे सॉरी खेलते हैं, सॉरी खेलते हैं। मैं क्या से यहां पे बस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस एक दो सवाल थे, क्या उनका ताल्लुक भी मीडिया से? नहीं, गेम खत्म, बात गेम खत्म, गेम खत्म। नहीं नहीं, बस लड़के ठीक है, मीडिया से उनका ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी किसी भी शो में। नहीं, क्या वो डॉक्टर है? नहीं। क्या वो इंजीनियर है? नहीं। क्या वो डिजाइनर है? नहीं। क्या वो नहीं सिंगर, तो खैर वही वाली बात हो जाएगी। ठीक, क्या वो टीचर है? नहीं। क्या वो साइंसदान है? नहीं। क्या वो इंसान है? इतनी स्पीड से नहीं, क्या वो क्या वो इंसान, क्या वो इंसान, अब सवाल क्या वो है? वो फरिश्ता है। अभी तो फरिश्ते लगी, क्या वो है? जी वो है। वो है, वो इंशाल्लाह रहेंगी इंशाल्लाह भी। अब हम अल्लाह ये जो है ये प्यारा टाइम जो है जल्दी में दिखाएं, तो बड़ी बेस्ट विशेज आपके लिए। अच्छा, ज़रा मैं मुझे ब्रेक अगर लेनी है, और ब्रेक के बाद में ज़रा फैज़ान की शादी का भी ज़रा सुनूंगी कि हाँ भाई जो जब कब फैजान की शादी होगी अच्छा से मुझे बताए, लोग जैसे माए कहती कि शादी का बेटा बदल जाता है, तो क्या? नहीं सुन ले, बिल्कुल नहीं, इसने तो मुझे पहले से कह दिया हुआ क्या कि मैं नहीं बदलूंगा, आप दोनों का मसला होगा, मुझे ना बीच में लगा दिया। आप दोनों का अपना मसला, आप खुद ही हल करेंगे दोनों, मुझे नहीं आपने बताना। अल्लाह वो नौबत ना लाए। नहीं, वैसे अच्छी है, पढ़ी लिखी है। हाँ पढ़ी लिखी है, रोकने की कोशिश करें। हम जब जाते थे बच्चों में, जब ज्यादा कभी बताने लग जाते थे, फिर अम्मी साथ में बैठी होती थी ना,
चुटकी वैसे आपने जो कही लोगों में कैसे इन्होंने मुझे चुटकी काटी है, मैंने चुटकियां काटी है लोगों ने काटी है, मैं तो आंखें ही दिखाती हूं बस दोबारा से दिखा आंटी, आंटी अब कैसे आंखें दिखाती थी मैं नहीं जाते थे ना किसी के घर तो आगे वो चीजें रखती तो ये एक एक बस उठाते थे, उसके बाद मैंने मना कर दी खबर था बस। अब वो कह रहे हैं खाओ खाओ, ये मुझे देख रहे हैं कि अम्मी का इशारा हो तो फिर सेम अल्लाह का शुक्र बिल्कुल सेम हर जगह का ये कॉमन है यूनिवर्सल फैक्टर। हां यूनिवर्सल ऐसे ही लेकिन मैं आपको बताऊँ ये मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन तक था बस, नहीं हो आने वाली जनरेशन से आप बिल्कुल तवक्को ना रखें, वो तो उनके ले नहीं आए सब कुछ ना। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे जैसे हमारे शो का म्यूजिक जो है मैं देख रही हूँ कि आगे मैच्योर होता जा रहा है तो इसमें ऐसा लग रहा है मैं कोई मिस्ट्री शो करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मेरे बैंड वालों प्लीज मेरा पे दिल करता है मैं मिस्ट्री वाले सवाल पूछूं कि अच्छा ये मुझे बताएं नहीं ऐसा वो आसिफ आपने पहली दफा कहां देखा ऐसा म्यूजिक दे कि मेरा दिल करे मैं जरा मजे मजे के सवाल भी करूं। खैर लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़े मजे के कॉल टॉपिक चढ़ गया था वो ये कि उमर ने तो अभी से कह दिया आंटी को कि देखिए शादी के बाद कोई आप लोगों का मसला हो तो मुझे नहीं बताना आप लोगों ने, ठीक है मैं ऑफिस जाऊंगा मैं सुकून से रहना चाहता हूं। ये कौन से सेट वाले ऑफिस की बात कर मैं ऑफिस ही बन जाता है वैसे तो आपकी आप फ्रेश हो तब कहा था उसने जब अभी मीडिया में नहीं आया वो तब अच्छा उस वक्त लड़के की तैयारी पक्की थी मेरी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में तैयारी पक्की थी तो आंटी उस वक्त नहीं आपने सोचा कि लड़की की चलो अभी कर देती हूं मैं किसी दूसरे शहर भेजूं इससे पहले मैं इसके हाथ पीले करके भेज दूं? नहीं अभी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। ये भी अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा जिम्मेदारी ले सकता है या नहीं ले सकता। अच्छा आप मुझे बताएं कि फैजान आप कैसे मैनेज करके चलते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके घर में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो और आप मतलब सास और बहू का भी हेल्दी रिलेशनशिप हो और ऑफकोर्स बेटे का बड़ा उसमें किरदार होता है तो हाउ डू यू मैनेज हाउ डू यू बैलेंस? आई ट्राई टू कीप इट बैलेंस और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कर लेना तो चीज़ें बहुत हल हो जाती हैं। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली बिल्कुल मैं बीच में होता था दोनों तरफ से एंड्स आई यूज टू मेक एंड्स मीट, अब मैं बीच में हूँ ही नहीं। सो अब ये लोग खुद आपस में सारी बातें करके और सॉर्ट कर लेते हैं जिस तरह की कोई भी हो। अच्छी बात यह कि ये मेरी वालदा और मेरी बेगम एक ही स्टार हैं तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे। और इनका क्या स्टार है? कैप्रिकॉर्न। ये भी कैप्रिकॉर्न है, माहम भी कैप्रिकॉर्न है, मेरी बेटी भी कैप्रिकॉर्न है, आदि भी कैप्रिकॉर्न है, मेरे करीबी लोग सारे कैप्रिकॉर्न। राबिया भी कैप्रिकॉर्न, राबिया भी तकरीबन आदि कैप्रिकॉर्न है, कस्प है वो, उनके मियां भी कैप्रिकॉर्न है। तो मैं कैप्रिकॉर्न के बीच में, दिसंबर जनवरी बहुत पैसे जाते हैं, बहुत गुर्बत के महीने हैं तो फिर आप लोगों के पैसा तो जाए जा रहा है जाए एक्स्ट्रा कमेटियां डाल लिया करें इसमें ऐसे ही है यार एंड मंथ एंड सब हो रहा होता है उसका तो ये आपस में अब चीजें मैनेज करते हैं और ये बिल्कुल सही बात है उमर की कि इसी में आपकी भलाई है। हाँ। आप ऑफिस से आए खाना खाएं सो जाएं। अच्छा राबिया बताती थी कि जब राबिया की जब शादी होनी थी तो जो रेहान है उन्होंने उनको पता था कि किस बंदे से दोस्ती करनी तो उन्होंने आंटी से दोस्ती की। हाँ हाँ। और ये भी असल में रेहान भी कैप्रिकॉर्न है तो वो भी अकलमंद आदमी और माहम ने भी दोस्ती की वो भी परवीना आपस में सारे कैप्रिकॉर्न आपस में खेल रहे हैं बीच में इधर उधर स्टार्स भी आप लोगों का तो ये कैसे हुआ था मतलब आपको पसंद आई थी उसके बाद फिर किस तरह से? मुझे तो पसंद आई थी लेकिन अच्छी बात ये कि इनको पसंद आई थी तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई दरअसल मैं बहुत टाइम से इनसे कह रही थी इनके छोटे भाई एक बच्चे के बाप बन गए थे तो मैंने कहा अल्लाह के वास्ते शादी कर लो। हाँ कर लूंगा मैंने कहा कब? तो मैं इनका थिएटर देखने गई मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी मैंने कहा क्या हालात हैं इस लड़की के लिए एकदम ही हो गया कहने लगे क्या मतलब इनका लड़की अच्छी है फसा सकते हो तो अच्छी लड़की है फैमिली भी अच्छी है और उनके खालू के साथ मैंने काम भी बहुत किया है वो भी एक्टर तो इस तरह बात हो गई और फिर एक्ट्रेस थी मैंने कहा बहुत इजी मैं और वो हमारा रिलेशन बहुत इजी रहेगा तो बस फिर नसीब की भी बात हो नसीब की बात नसीब की बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं संजोग संजोग जहाँ पे संजोग में उसकी बात तो इनका संजोग इनको मैंने कहा तो इन्होंने भी हामी भर ली के चले आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लड़की को मैंने अलग से पूछा मैंने कहा तुम्हें ये पसंद है प्रेशर तो नहीं है कोई शक तो नहीं है कहने लगी नहीं ठीक है। अच्छा वैसे कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको जिसको आप पसंद करते हैं आपकी माँ को भी वो पसंद आ जाए तो मैंने फिर उससे कहा मैंने कहा फिर हम तुम्हारे घर आ रहे हैं
कहने लगी बिस्मिल्लाह आइए। फिर घर गए, उनके घर का माहौल और हमारे घर का माहौल बड़ा स्मूथ है। जिंदगी मुझे बताएं कि कोई ऐसे टाइम जब आपने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल था यहाँ से निकलना, ये अम्मी की दुआ लगी है। आई एम श्योर बहुत सी जगह होती है। हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है इस तरह से। मैं जब कराची आया हूँ, कराची आके जब मैं लोगों के साथ मिला हूँ, लोगों के साथ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से जितना स्मूथ मेरा ये सफ़र रहा है शुरू का, अगर दुआएं ना होती लोगों की तो बहुत मुश्किल हो जाता। मे बी आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट जोन, मैं किसी और सिनेरियो में होता, मेरे लिए कुछ और हालात होते, लेकिन इनकी दुआएं थी। वो होता है ना, आप इजाज़त लेकर जब आते हैं तो उस पर आपका फिर आपके साथ एक फरिश्ता भी रहता है कि भाई अब हम देख रहे हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे। तो वो जब मैं इजाज़त, उससे पहले जब मैंने कह रहा है मुझे जाना है जाना है जाना, उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ जाओ अब, तो वो सेटिस्फेक्शन अपने साथ लेकर आना और यहाँ पर आगे, फिर मुझे उसकी वजह से जितने लोग मिले यहाँ पे, जितने भी जिस तरह के लोग मिले, वो सब बहुत अच्छे मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर इनकी दुआएं थी जो हुआ इस तरह से। अच्छा, आपके साथ फैजान ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया जिसमें आपने कहा कि भाई यहाँ से तो अम्मी की ही दुआ से निकला, वरना तो बड़ा मुश्किल था। ज़िंदगी में कोई ना, पूरी ज़िंदगी ऐसी चली। हम वाकई, मैं तो अभी भी कहता हूँ हम इस लायक नहीं है कि लोग इतनी इज्जत देते हैं या इतना काम मिलता है, ये सब इनकी वजह से। जहाँ जहाँ इज्जत होती है ना, वो इनकी वजह से होती है, सीधी बात है। और जहाँ जहाँ हम जलील होते हैं, वो अपनी वजह से होते हैं। सिंपल सी बात, इसको आप एक्सेप्ट कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बात वैसे बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो जब किसी नए काम के लिए जाते हैं, मेरे पैर चूम के जाते हैं और मैं खुलेआम चूमता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता इससे। ये भी तमाशा में, तमाशा के फिनाले में हम इंटर हुए तो मुझे नहीं पता था ये लोग आए हुए। I was expecting शायद माँ बैठी हो, अम्मी बैठी थी, तो मैं पूरा एक टीम थी, मैं गया हूँ सीधे, मैंने पैर चूमे सबके सामने। अच्छा, इतने अरसे बाद जब अम्मी को देखा तो फिर क्या हो? Obviously आप इमोशनल तो होते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल कबाहत या वो नहीं होता कि यार लोग क्या देखेंगे सोचेंगे। I don't care. मैं सो रही होती हूँ, इनको जाना। हाँ, ये मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन मैं पैर चूम के चला। कितनी से प्यारी बात है ना। आई वुड रियली वांट माय सन टू डू दिस। मतलब जबरदस्ती नहीं, नो प्रेशर। उसकी वजह क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैंने इन लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। आप ये चीजें, अब मेरी बेटी ने देखा ही, वो बेटी सुबह जब इनको सलाम करती है हाथ चूमती है इनका, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कराई है उसको इस चीज की। तो ये चीजें आप पास ऑन करते हैं, पास ऑन करते। मेरे यहाँ आप जितने मेरे बच्चे हैं, मतलब नीस नेफ्यू भी मेरे बच्चों की तरह, वो लोग भी, उनमें भी ये चीज है। बड़ों से जब भी मिलेंगे तो वो हाथ चूमते हैं, हमने चीज सिखाई थी क्योंकि हम चूमते हैं बड़ों के। और अब हमारी बुआएं भी अपने बड़े जितने मेरी फैमिली के, उनके हाथ चूमती है, क्योंकि वो घर का माहौल देखा है। वैसे हमारे यहाँ बड़ों का हाथ चूमते, हमसे जो बड़े हैं हम उनका हाथ चूमते। अच्छा, मुझे ये बताया, आप लोग तो माशाल्लाह से आपने मतलब सख्ती भी की, काम भी करे हो, लेकिन मैं अगर आजकल की चीज़ें देख रही हूँ तो आजकल बच्चे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने रिश्तों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। चलो जी, ईद आ गई, मैं अक्सर त्यौहारों पर लोगों को देखती हूँ कि भाई ये तो त्यौहार ऐसे होते हैं कि माँ बाप के साथ ईद मनाने के लिए होती है, लेकिन उनको होता नहीं जी यही टाइम है कि हमने कि बाहर जाना है, और माँ बाप पीछे हैं अकेले ईद में और बच्चे बाहर। जो तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट हुई एकदम से? माँ बाप की जो है ट्रेनिंग, वो सख्ती ख़त्म हो गई। अब वो बच्चों के पाबंद हो गए हैं कि बच्चे उनको बताएंगे। हमने ये नहीं होने दिया, हमने बच्चों को सिखाया। अब बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं, मतलब रूल करते हैं। तो ये माँ बाप की कमजोरी है। जैसे पहले बच्चे परमिशन मांगते थे, अब नहीं, अब बच्चे बताते हैं, अब बच्चे इतला देते हैं। हाँ। परमिशन नहीं मांगते, अब इतला देते हम जा रहे हैं, ये नहीं कहते हम जाएं। दोनों में बड़ा फर्क है, हम जाएं में और हम जा रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है। तो ये माँ बाप की कमजोरी है। और फिर मैंने देखा है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों पे सख्ती नहीं रखी या उनको ट्रेन नहीं किया, वो बहुत भुगतते हैं, वो बहुत बुरे हालात में गुजरते हैं। फिर उनका बुढ़ापा भी मैंने देखा है, उनका बुढ़ापा रुल जाता है। वो वक्त जब उनको ज़रूरत होती है औलाद की, वो औलाद उनकी नहीं होती। मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ, इसी बात पे मुझे याद आया कि एक औरत जो बहुत नाम भी है उसका और बड़े बड़े आदमी की बीवी है, वो बहुत लग्जेरियस लाइफ है उसकी। जब उसका मियाँ मर जाता है, बच्चे जवान हो गए और बच्चे वही वाले बच्चे, बर्गर बच्चे, और वो माँ बाप को कुछ न समझने वाले बच्चे, वो उस बुढ़िया का हाथ पकड़ के उसको ईदी सेंटर में छोड़ आते। और इतनी अमीर औरत जिसने ऐसी ज़िंदगी देखी हो, वो उन बच्चों के हाथों वहाँ जाती हैं, क्योंकि भाई होते हैं, वो कहते हैं ये अगर रहेंगी यहाँ हम जायदाद में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। वो औरत वहाँ पे, उसके बॉयकट बाल हो जाते हैं, वो मर्दों वाला हुलिया हो जाता है, शलवार कमीज़ पहनती है, वो मर्दाना
सिगरेट यहाँ रख के पीती है और वो गेट कीपरी कर रही होती है, ईदी हो उसको गेट पे बिठा देते ऐसा कैरेक्टर है वो और वो रफ्ता रफ्ता हंच बैक उसकी बैक पे कुंभ निकल आती है। तो इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इतना अच्छा है और वो मैं कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। वैसे मैं हम ज़रूर नाम भी जानेंगे उसके बाद देखेंगे भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अगर हम अपने माँ बाप की बात करें तो हमारे माँ बाप ने हमें डांटा भी है, मारा भी, हमारा ना कहीं कॉन्फिडेंस शैटर हुआ बिल्कुल भी नहीं, और आज हम ज़रा टेम्ड हैं, थोड़े ज़रा तमीज़दार हैं। आजकल के बच्चों को तो ज़रा से ऊँची आवाज़ में बात करके आप मना कर दे तो कहते हैं ये क्या कर दिया उसके साथ, उसका तो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। तो आंटी आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हुई पेरेंटिंग में भी लोगों से? वही बात है कि माँ के पास भी टाइम नहीं है, मोबाइल ये वो, बच्चों के पास भी है वो इंटरनेट पे थे, हाँ तब वो नहीं थे, तब ये चीज़ें नहीं थी, बच्चे घर में बैठते थे, चलो गेम खेली पर घर में बैठते थे और सुनते भी थे और मानते भी थे, अपना सुनते हैं ना मानते हैं। कोई बात करोगी, इनको मैंने 3 साल की उम्र में रोजे रखवाए, पूछे ऐसी है कहाँ रखे रख दिए थे साइड पे मैंने रखे और फिर इनके सवाल और अब आप देखें, अब आप रखवा के दिखाएं बच्चों को रोजा, लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं अभी भी 2 साल 3 साल का स्कूल जाए, भाई हमने रखा है और हम उसी से वहीं से आदत है हमें। अच्छा और फिर ये वो बच्चे की अभी भी बहुत सारे मैं लोगों को जानती हूँ तो रमजान में क्या आपने रोजा नहीं रखा, वो मेरे ना सर में थोड़ा दर्द शुरू हो जाती है, ये तो एक्सक्यूज नहीं होती हमारे यहाँ, कोई रोजा नहीं, हमारे यहाँ तो कभी सहरी मिस हो जाती थी तो बिना सहरी के, बिना सहरी के रोजा रखते थे, स्कूल भी जाते थे और अभी भी लोग सेट पे हैरान होते हैं कि टेस्ट है तुमने नहीं रखा, अभी भी लोग सेट्स पे हैरान होते हैं आप रोजा रखा भाई क्या हो गया, किस तरह का सवाल है रोजा रखा हुआ, जाहिर सी बात हम क्रिकेट खेल रहे रोजे में सब सब किया हमने, सब सब आदत एक आदत बना दी है ना, अब जो छोटे बच्चे हमारे घर में वो भी रोजा रखते हैं, वो लड़ पड़ते हैं अपनी माँ से कि हमें क्यों नहीं उठाया, रोजा रख पाया वो घर में देख रहे हैं ना। यस। लेकिन खैर जी हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारा ताल्लुक उस जनरेशन से है कि जिसने माँ बाप से डांट भी खाई है लेकिन वो माँ बाप से मोहब्बत भी करते हैं, डरते नहीं, हाँ रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट की वजह से उनको डर भी है कि नाराज ना हो जाए, तो उनको वो डर ज़्यादा है कि हमारे माँ बाप रूठ ना जाए, और शायद मुझे लगता है हम आखिरी जनरेशन है जो कि अपने माँ बाप पे ना फरिश्ता हैं जो आशिक हैं, अल्लाह करे जी आने वाली नस्लें भी ऐसी हों, हमारी औलादे भी ऐसी हों जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। खैर ये वो कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बट अल्लाह पाक हमारी भी बेहतरी करे। थैंक यू सो मच आंटी हमारे शो में आई, थैंक यू सो मच उमर आपका, परवीन आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैजान हमारे शो में आए। मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।